नमस्कार दोस्तों, श्री राम सोलर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिनी सोलर इन्वर्टर की, जो है सोलर कन्वर्टर जो है इसको नाम दिया गया है। ये देखने में काफ़ी छोटा है और ये जो है 200 वाट का जो है सोलर कन्वर्टर है। आप इसको सोलर पैनल पर भी चला सकते हैं, आप इसको 12 वोल्ट की किसी बैटरी पर लगा सकते हैं। जैसे कि ये जो है SMPS के लिए, कलर टीवी के लिए और DVD, DTH, CFL मोबाइल चार्जर जो है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। इसकी जो बॉक्सिंग है आप देख सकते हैं, काफ़ी सिंपल है। और ये देखिए कुछ इस तरीके का ये डिज़ाइन है। तो यूजेस इसमें लिखे हुए हैं कलर टीवी, DVD, DTH, मोबाइल चार्जर, CFL, ट्यूब ट्यूबलाइट चौक, यानी 40 वाट की ट्यूबलाइट आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है ऑर्डिनरी बल्ब ना लगाएं, क्योंकि वो जो है लिखे कुछ और होते हैं, वाटेज कुछ और होता है, या लोकल चीज़ इसमें ना लगाएं। 200 वाट टोटल जो है इसका आउटपुट है। और सोलर कन्वर्टर भी इसे बोला गया है क्योंकि आप पैनल से इसको डायरेक्ट चला सकते हैं। इसका जो फ्रंट है उसमें जो है आपको कुछ ऐसे कुछ देखने को मिलेगा, 200 वाट LED ऑन ओवरलोड। इसमें सभी तरह के प्रोटेक्शन दिए गए हैं, बैटरी रिवर्स, सोलर रिवर्स और ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो सभी तरह के प्रोडक्ट्स जो है प्रोटेक्शन इसमें दिए गए हैं। और दो जो है आउटपुट इसमें दिए गए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे इनपुट 12 वोल्ट DC, यानी ये दो वायर है प्लस माइनस, इसमें जो है हमें 12 वोल्ट DC बैटरी हो चाहे पैनल वो देना है। ऑन ऑफ का स्विच यहाँ पर दिया गया है। तो हम इसका जो है आज टेस्ट भी करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम बैटरी को कनेक्ट कर लेंगे। 12 वोल्ट की आप कोई सी भी बैटरी इसमें जो है लगा सकते हैं। बैटरी को जो है 12 वोल्ट ही होनी चाहिए, आप 24 वोल्ट बैटरी ना लगाएं इसमें। 12 वोल्ट बैटरी के लिए जो है आप देख सकते हैं लगाने पर ये LED जो है वो ग्लो कर रही है। पीछे ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, उसको ऑन करके जो है हम इसको स्टार्ट कर लेंगे। तो ये जो है LED ऑन होने के बाद हम इसका जो है लोड टेस्ट करेंगे कि जो है ये इसका जो आउटपुट है वो कैसा है। सबसे पहले हम जो है मोबाइल को चार्ज करेंगे। मोबाइल चार्ज करके हम देखेंगे तो इसमें जो है पीछे हमने मोबाइल का जो जो सॉकेट दिया गया है कन्वर्टर का, उस पर हमने जो है मोबाइल का जो चार्जर लगा दिया है। तो अब हम इसमें चला कर देखेंगे। तो ये आप देखिए, जैसे ही हमने इसको लगाया और चार्जिंग इसकी जो है स्टार्ट हो गई, यानी इसका जो आउटपुट है वो भी काफ़ी अच्छा है। अब जो है हम इसमें जो है AC आउटपुट जो है वो लेकर देखेंगे, यानी हमने जो है सूर्य का जो एक बल्ब है 9 वाट का, वो हम इसमें चला कर देखेंगे। अभी हम सभी चीज़ें बैटरी पर चला रहे हैं, बैटरी पर इसका जो है हम टेस्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए, जैसे ही हमने बटन को ऑन किया तो LED ग्लो कर रही है, काफ़ी अच्छा आउटपुट है इसका, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है किसी भी तरीके का। 200 वाट का टोटल लोड है, सभी तरह के प्रोटेक्शन है। अब सोलर पैनल की बात करें तो हमने 60 वोट का सोलर पैनल जो है ऊपर लगाया हुआ है, तो उसके जो वायर हैं यहाँ नीचे दे रखे हैं। तो हम 60 वाट के पैनल पे जो है इसको टेस्ट करेंगे। 60 वाट के पैनल को जो हम जो है जो हमारा कन्वर्टर है उसका प्लस और उसका माइनस जो है पैनल के प्लस माइनस पे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करके जो है हम इसका जो है लोड और आउटपुट टेस्ट करेंगे, क्या ये डायरेक्ट चल पाता है या नहीं चल पाता है। तो हमने जो है प्लस को प्लस पे, माइनस को माइनस पे जो है हम इसको कनेक्ट करेंगे। इसमें सभी तरह के प्रोटेक्शन है, अगर ये उल्टा भी लग जाएगा तो कोई किसी तरह का कोई फ्यूज़ वगैरह कुछ नहीं उड़ेगा। तो अभी पीछे से जो है हमें बटन को ऑन करना है। तो ऑन करने के बाद हम देखेंगे कि जो लोड जो है वो डायरेक्ट सोलर पैनल पर रन करेगा। ये देखिए, जैसे ही हमने नेगेटिव वायर को इसमें जोड़ा, पॉजिटिव जोड़ा हुआ है पहले से, तो जो इसका आउटपुट है वो इंस्टेंट आउटपुट जो है हमें मिलता है और किसी भी तरीके का फ्लक्चुएशन नहीं है, क्योंकि पैनल में ज़्यादातर जो है फ्लक्चुएशन आता है। तो इसमें किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन नहीं है। AC आउटपुट जो है एकदम एज इट इज़ है, आप देख सकते हैं कहीं भी किसी भी तरह के में जो है बल्ब फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। ये मैं डायरेक्ट चला रहा हूँ। तो आप जो है 12 वोल्ट का 165 वाट तक का पैनल जो है इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे 20 वाट यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे 50 वाट, 100 वाट, लेकिन 165 या 150 वाट से ऊपर जो है ये नहीं होना चाहिए। काफ़ी प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। फिर भी अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।